बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहिवाल मीडिया। सहिवाल जीटी रोड पर अड्डा काजाबाद के करीब कार पर फायरिंग, चार अफराद जान बहक। कार पर फायरिंग मुबीना तौर पर सीटीडी पुलिस ने की। पुलिस के मुताबिक कार में अगवाकार सवार थे। एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी सवारियों ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मारे गए। तीन बच्चे बाजियाब हुए। बास पुलिस ने यह भी बयान जारी किया है कि सवारों का तलक दहशत गर्दों से था और उनमें से ज्यादा जिशान वल जवेद अख्तर का तलक था। इन कार सवारों का तलक उन घरों से भी था जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और एक अमरीकी को अगवा किया था, जबकि पुलिस के बयान के मुताबिक मरने वालों में उनकी फूफो, वालद और वालदा भी शामिल हैं। वो लोग बुरे वाला शादी पे जा रहे थे, इन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपने ही खानदान के साथ सफर कर रहे थे। कार में सवार तीन में से एक बच्चा जख्मी भी हुआ। बच्चों ने लोगों को बताया कि पुलिस ने हमारे वालदैन को मार दिया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक वाकये के बाद पुलिस बच्चों को पेट्रोल पंप पर छोड़ गई और थोड़ी देर बाद पुलिस एहलकार बच्चों को दोबारा साथ ले गए। जख्मी बच्चे डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। बच्चों के कमरे के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है, जबकि कार सवार पुलिस के कब्जे में है। सीटीडी एहलकार हलाक होने वाले मर्द खवातीन की लाशें और कार से बरामद होने वाली अशिया अपने साथ ले गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार से सिर्फ एक कपड़े का बैग और एक स्त्री बरामद हुई, जबकि मुकामी पुलिस ने इससे इजहार लातलकी किया। आईजी पंजाब ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है।